नमस्कार। आज हमारे साथ जो हैं वो वैद्य नैन्सी हैं और एक जो है वो शुष्क अक्षी और नेत्र ताम्यता के जो रुग्ण हैं वो हमारे साथ हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भारतीय हॉस्पिटल में अपना जो पंचकर्म का उपकर्म है अक्षी तर्पण, नेत्र तर्पण वो करवाया है। तो वैद्य नैन्सी हैं, वो इनसे खुद ही पूछेंगे, जानेंगे कि छः मैडम कितने दिन करवाया आपने? लगभग 6-7 6-7 दिन तो आज हो ही गए हैं इसको करवाते हुए। तो अभी जो है वो आपको क्या समस्या थी आंखों में, आप ये भी थोड़ा सा जी, बता आंख दें। में रूखापन रहता था जी और कई बार आंखों में पानी आता था। जी जैसे आप मोबाइल वगैरह देखते थे तो क्या होता था? तो आंखों में दर्द सही होती थी और ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो रहा है, आंखों दबानी के पड़ती थी। ये जो आंखों का आई बॉल है इसके चारों तरफ कोई ऐसी स्ट्रेन, स्ट्रेस या हाँ कुछ जी, दबाव सा रूखा रहता रूखा था, सा रहता था, रूखा रूखा सा रहता था। कितने लगभग सालों से ये ऐसा रहता था? काफी सारे। काफ़ी सालों से था ये। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जीवंती आदि घृत से जो है वो नेत्र तर्पण मैडम जी का किया गया, पेशे से चिकित्सक हैं। और जो है वो अभी 6 दिन ये चिकित्सा करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मेरी आंख में नमी जैसे है, जैसे रूखापन जी रहता है। ठीक है। और अगर और भी आप जैसे काम कर रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है, कुछ रिलैक्स लग रहा है? हाँ कैसा जी, हाँ जी, रिलैक्स लग रहा है? मोबाइल वगैरह देखते हैं तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं उसमें, स्ट्रेन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा अब है? नहीं, और अब आपकी आंखें जो ड्राई रहती थी उसमें कितना फर्क है? काफी फर्क है, काफी भीगी भीगी रहती है जैसे। अच्छा ऐसी रहती हैं। 100 पैसे में से अगर मैं पूछूं तो कितने पैसे आपको फर्क है इसमें अभी आंखों में 6-7 दिन का ये चिकित्सा व्यवस्था करवाने के बाद? 80 पैसे, 90 पैसे, 70 पैसे, कितने पैसे जो है वो आपको फर्क लग रहा है? 80 80 एटी परसेंट एटी एटी प्लस जो है वो फर्क लग रहा है। तो ये सिर्फ चलचित्र साझा करने का मकसद जो है वो इतना है कि आम जनमानस भी चिकित्सा व्यवस्था से जो है वो जागरूक हों कि ये जो पंचकर्म से ये चिकित्सा व्यवस्था की जाती है, इस घृत से बहुत ही दिव्य स्वरूप औषधियाँ जो है, जीवंती आदि घृत और त्रिफला घृत, ऐसी कुछ औषधि हैं जिनसे हम नेत्र तर्पण जो है वो करते हैं और अक्षय रोगों में सबसे बेहतरीन जो है ये चिकित्सा व्यवस्था रहती है। तो वैद्य नैन्सी जी कुछ बोलना चाहेंगे? अक्षय तर्पण जो है वो शुष्क नेत्रता में बहुत अच्छा काम करता है और इससे आपको जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे इनकी 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद अभी 80% रिलीफ बता रहे हैं और कुछ और दिन इसको कंटिन्यू करेंगे तो इनको और ज़्यादा लाभ जो है इसमें मिलेगा। जी हाँ। तो हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने भी बताया है कि स्नेह सारो अयम पुरुषा, तो स्नेह का सार ही जो है वो पुरुष है, पुरुष लक्षण है। तो ये सारी स्नेह चिकित्सा व्यवस्था है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो और अधिक इससे स्वस्थता, आपकी आंखें और अधिक स्वस्थ हों और सदैव के लिए स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, नमस्कार।